हुकूमत हमें मौका दी, हम तो रेगुलाइज कराएंगे इसको। काफ़ी लोगों की रोज़ी जो है वो इससे मुंसलिक है, तकरीबन ये 60-65 के करीब हैं जो पूरे हाल हैं, अंदर भी और बाहर भी। मेरे अपने पास जो है ज़ाती तकरीबन जो है ये समझ लें 20-25 मजदूर हैं। ये सोसाइटी है और यहाँ हाउस वगैरह प्लेसमेंट है, लेकिन इन लोगों ने यह हाल बनाया है, इसकी वजह से डिस्टर्बेशन हो रही है, पूरे रोड्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं। ये शादी हाल जिस दिन, खास कर इतवार के दिन, जिसकी वजह से ये पूरा रोड जाम होता है। ये एक ज़ाती अना का मसला बनाया हुआ है इसी हाल के साथ, एक टूटे हुए हाल को दोबारा तोड़ा गया। ये एक ही हॉल को बार बार क्यों तोड़ रहे हैं? और हॉल नहीं टूटेंगे? नहीं, ये तो वहाँ से तो पैसे मिल रहे हैं ना। अब यही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो ऑफिसरान है उनकी और इनकी जाती टसल चल रही है, इस मालिक की, ईसा की और इनकी जाती टसल है। उसके ऊपर जो टूटा हुआ हाल है उसको दोबारा तोड़ रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आप उस ऑर्डर को फॉलो करें ना, वो जो दूसरे हाल है उनकी तरफ जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी नासिर जंप पर, और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये शादी हॉल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन शादी हॉल्स को मस्मार करने का हुक्म दिया गया है। ये 35 से ज़ायद शादी हॉल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो तहरीरी फैसला आया उसमें रिमार्क्स दिए गए मौजूद जजेस की जानिब से, और ये कहा गया कि ये जो रिहायशी अराजी है यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, और इस पर एक नहीं दो फैसले आए हैं। साबिक चीफ जस्टिस साहब ने भी इसको मस्मार करने का हुक्म दिया था। 2020 में भी एक फैसला आया था और ये कहा गया था कि ये रिहायशी प्लॉट है, इनको मकासद के लिए, रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, मगर यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। क्यों नहीं कार्रवाई की गई अब तक? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जितने भी फैसले आए हैं कराची में, जो गैर कानूनी तामीरात हुई, नस्ला टावर हो, तिजोरी हाइट्स हो, उन पर तेज़ी से अमल दरामद किया गया। दीगर फैसलों पर भी तेज़ी से अमल दरामद किया जा रहा है, मगर हम ये देख रहे हैं कि कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी जो कोरंगी में 35 से ज़ायद शादी हॉल्स हैं जिनको अभी तक मस्मार नहीं किया गया है, क्या वजह है ये समझ से बाहर है। अगर हम आपको इसका सिनेरियो बताएं तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले 23 अक्टूबर 2020 को कोरंगी क्रॉसिंग और कोस्ट गार्ड चौरंगी के दरमियान जो रिहायशी प्लॉट्स हैं यहाँ पर गैर कानूनी शादी हॉल्स जो कि तामीर हैं उनको मस्मार करने का हुक्म दिया गया था। तहम पहली मर्तबा के सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर शादी हॉल्स के मालिकान ने शदीद एहतजाज किया था, और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से इस सिलसिले में हुक्म इम्तनाई हासिल भी कर रखा है, जबकि अदालत की जानिब से 3 दिनों में ज़िला इंतजामिया को कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया था, मगर कार्रवाई नहीं हो सकी थी। ये कहते हैं ज़राए कि शादी हाउस मालिकान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भी नज़रसानी की आईनी दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, जिस वजह से उस वक्त मस्कूरा गैर कानूनी शादी हॉल्स जो है वो मस्मार नहीं किए जा सके। ज़राए ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मकाम पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया था, और मस्कूरा गैर कानूनी शादी हॉल से गुजर कर जुडिशल कॉम्प्लेक्स को रास्ता जाता है, जिसकी वजह से जुडिशल कॉम्प्लेक्स आने जाने वाली जज साहिबान और दीगर आला हुकाम वगैरह की गुजरगाहों को महफूज बनाने के लिए ये कार्रवाई करना ज़रूरी था। ज़रा ये भी बताते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कोरंगी के मस्कूरा मकाम पर गैर कानूनी शादी हॉल्स की जो फहरिस्त फराहम की थी, इनमें शादी हॉल्स की तादाद 45 थी। जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया है कि ये रिहायशी अराजी पर ये 35 से ज़ायद शादी हॉल्स हैं जो कायम है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लखनऊ हाउसिंग सोसाइटी है और इसका मेन एंट्रेंस है। जब हम मेन एंट्रेंस से आते हैं तो हमारे सीधे हाथ पर एक शादी हॉल है, इसके बराबर में एक शादी हॉल है। मेरे उल्टे हाथ पर दिखा रहे हैं हम आपको कि ये शादी हॉल्स हैं, ये सोसाइटी है और ये रिहायशी सोसाइटी है, ये कमर्शियल लाइन नहीं है, ये कमर्शियल पट्टी नहीं है। फिर भी ये जो फैसला आया बिल्कुल अदालत की जानिब से दुरुस्त आया, क्योंकि उसमें साबित हुआ है कि ये रिहायशी अराजी है और ये रिहायशी अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियाँ मना है, गैर कानूनी है। मेरे साथ मौजूद हैं शादी हॉल्स के मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुझे बताएं कि ये जो फैसला आया है एक बार फिर से कि ये रिहायशी अराजी पर कायम है शादी हॉल, इनको मस्मार कर दिया जाए, तो अब आप लोगों के जो मालिकान हैं उनका क्या लाहे अमल है, क्या कहा गया आप लोगों को? हम लोग तो इसको रेगुलाइज कराना चाहते हैं, हुकूमत हमें मौका दी, हम तो रेगुलाइज कराएंगे इसको, हर हाल में कराएंगे।
आप समझते हैं कि रेगुलाइज हो जाए, ये टूटे ना, ताकि नुकसान ना हो। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी लोगों की रोज़ी जो है वो इससे मुंसलिक है, क्या समझे, इस वजह से हम ये चाहते हैं कि किसी की रोज़ी ख़त्म ना हो और जो है वो इसको रेगुलाइज हुकूमत हमें बोलेगी तो हम करेंगे। सर एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, ये कितने शादी हॉल्स इस रोड पर कायम हैं? तकरीबन ये 60-65 के करीब हैं जो पूरे हाल हैं, अंदर भी और बाहर भी। क्या अब भी बुकिंग, जब फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट, क्या अब भी बुकिंग जारी है? बुकिंग तो हमारी 3-4 महीने पहले से शुरू हो जाती है आने वाले महीने की, जैसे अब ईद का जो मौका आएगा, हमारा शव्वाल की जो बुकिंग है वो शुरू हुई हुई है हमारी पहले से ही। तो आप समझते हैं कि ये रिहायशी प्लॉट है, आप लोग मानते हैं, मगर इसको रेगुलाइज करने का मौका दिया जाए? मौका दिया जाए बिल्कुल, हम तो तैयार हैं बिल्कुल रेगुलाइज कराने के लिए। कितने मजदूर होंगे सर ये जो 50 से 60 शादी हॉल्स हैं जो है? मेरे अपने पास जो है ज़ाती तकरीबन जो है ये समझ लें 20-25 मजदूर हैं जो मेरे इस हाल से मुंसलिक हैं। तो हर हॉल में इतने ही मजदूर होते हैं? तकरीबन इतने ही होते हैं, 20-25, 30-20-25। नहीं, इंतजामिया की जानिब से तो कोई नोटिस नहीं आया कि अभी आप लोग शादी नहीं करें, होने ना दें, बुकिंग बंद कर दें? अभी कोई नोटिस नहीं आया इस सिलसिले में। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद यासर। आप यहीं के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल, 20 साल होगा। 20 साल हो गए। तो ये जो शादी हॉल्स हैं ये तो रिहायशी अराजी है, तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है? 100% ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी है और यहाँ हाउस वगैरह प्लेसमेंट है, लेकिन इन लोगों ने ये हॉल बनाए हुए, इसकी वजह से डिस्टर्बेशन हो रही है, पूरे रोड्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं और अपना रोड लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सोसाइटी गेट्स बंद किए हुए, इसी वजह से हॉल की वजह से कोई आए ना अंदर ना इंटर हो, काफ़ी परेशानी हो रही है इस वजह से। और ऑर्डर तो मेरे ख्याल में ठीक ही है, क्योंकि ऐसी बात है कमर्शियल पट्टी नहीं है, ये हाउसिंग सोसाइटी है एक तरीके से, यहाँ कमर्शियल बने में तो गलत है, ये होना चाहिए। यहाँ पे जो मजदूर वगैरह जो काम करते हैं शादी हॉल में, ये उनकी रोज़ी रोटी का भी सवाल है। हम ये कहना चाहते हैं अगर उनका ऐसा फैसला है, ऐसी कोई लोकेशन पे होने चाहिए जहाँ पे पब्लिक का भी फ़ायदा हो और जहाँ पे जितने मजदूर वगैरह भी काम करते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा होना चाहिए। ये मुल्क की रियासत है और इमरान खान साहब ने जैसे कहा है कि ये मदीने की रियासत बना रहा हूँ, तो ये कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो जिस तरह मस्जिद के लिए वो हुक्म जारी कर सकते हैं, तो ये शादी हाल अगर चाहिए गैर कानूनी है तो इसके लिए ये हुक्म बेहतर है, लेकिन इंसाफ होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जो एक मर्ज़ी के एक शादी हाल तोड़ के बाकी फिर ये हुक्म वो वापस ले लेते हैं या इस पर दोबारा उनका अमल नहीं आता, तो बेहतरीन ये कि ये बेहतरीन उनका ये हुक्म है और ये होना चाहिए। तो इन शादी हॉल से परेशानियाँ होती हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होता है, दीगर मसाइल होते हैं? बिल्कुल, ये शादी हाल जिस दिन खासकर इतवार के दिन और इसी तरीके से जुमे के दिन बड़ा रश होता है, जिसकी वजह से ये पूरा रोड जाम होता है, तो इनके लिए एक अलग सी जगह होनी चाहिए, इनके टाइम टाइमिंग की पाबंदी होनी चाहिए, जल्दी बंद होना चाहिए, रात के देर देर तक करते हैं जिसकी वजह से जो है ना सारा निज़ाम रद्द बदल हो। बहुत शुक्रिया सर। रिकॉर्डिंग जब हम ख़त्म करके जा रहे थे तो हमने एक मंज़र देखा कि एक हॉल जिसको SBCC की टीम ने तोड़ा और ये कहा जा रहा है कि इसको दोबारा तोड़ा, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन फैसला है जो दूसरी बार आया है, कहा गया है कि 35 से ज़ायद शादी हॉल्स हैं उनको मसमार किया जाए, उनको हाथ तक नहीं लगाया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पर क्या माजरा है, ये चीज़ अजीब दिखी हमें तो हम आपको बता रहे हैं। अब ये जो आगाज़ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो क्या सारे टूट जाएंगे, ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई? देखें ये जो आप सोच रही है ना, ये आगाज़ हुआ है, ये हाल पहले ऑलरेडी टूटा हुआ हाल था, ये एक जाती अना का मसला बनाया हुआ इसी हाल के साथ, एक टूटे हुए हाल को दोबारा तोड़ा गया। और हॉल नहीं टूटेंगे? नहीं, ये तो वहाँ से तो पैसे मिल रहे हैं ना, अब यही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो ऑफिसरान हैं उनकी और इनकी जाती टसल चल रही है, इस मालिक की ईसा की और इनकी जाती टसल है, उसके ऊपर जो टूटा हुआ हाल है उसको दोबारा तोड़ रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आप उस ऑर्डर को फॉलो करें ना, वो जो दूसरे हाल है उनकी तरफ जाए, एक टूटे हुए हाल को दोबारा जातियात बनाना, उसको जातियात बनाकर तोड़ना, ये कौन सा कानून है, ये कहाँ का कानून है? फिर यही जो ऑफिसर है, ये हाल है, इसके पीछे जितनी आबादियाँ हैं वहाँ पे अनलीगल जो है बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं लोग, पांचवा चौथा माला डाल रहे हैं, वो इनको पैसे देते हैं, इनको पैसे दिए के बगैर वो डलते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जाति बुनियाद पर सिर्फ एक हॉल को मसमार किया गया है, इसके अलावा जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में जो हॉल्स हैं उनको हाथ तक नहीं लगाया गया क्योंकि वो पैसे देते हैं? बिल्कुल, ये एक ही हाल है, इसको दोबारा दूसरी बार तोड़ दिया गया, एक मरे हुए को दोबारा मारा गया। बिल्कुल, ऐसा भी हुआ है कि सुबह पहले खुद आए ये लोग और रिटर्न ना हो, सुबह पहले तोड़कर गए फिर रिटर्न आए, रिटर्न अपनी टीम लेकर आए, पुलिस के मोबाइल साथ लेकर आए, उसके बाद तमाम आपके सामने जो अच्छा SBCA की टीम जी। अच्छा, ये जो SBCA है यही ऑफिसर है, इनसे ये पूछे कि जो पीछे जो इतनी अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके पीछे कौन है?
तो इंशाल्लाह ताला अब हम जो है ना SBCA के जो ये करप्ट ऑफिसर हैं इनका घेराव भी तंग करेंगे और SBCA का भी जो है हम लोग वहाँ पे एहतजाज करेंगे ताकि इनको भी पता चले ये हर जगह जो है दो नंबरी नहीं चलेगी इनकी इंशाल्लाह। कहेंगे सर सिर्फ एक हॉल तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि 35 से ज्यादा शादी हॉल थे जो रिहायशी अराजी पर है उनको तोड़ा गया। देखें यही हम यहाँ पर जो आम लोग हैं इसीलिए आज यहाँ आए हैं कि जी हमें पता होना चाहिए कि ये एक ही हॉल को बार बार क्यों तोड़ रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये अमन टावर्स का भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको भी गिराया जाए? यहाँ से लेकर और लखनऊ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी तक जितने भी ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इन सबको गिराया जाए, लेकिन शुमिये किस्मत ये इस पर क्या जाति दुश्मनी के बुनियाद पर? जी 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 मुझे यही लग रहा है ना कि किससे इसने कोई भत्ता देने से या कोई हफ्ता देने से मना किया होगा इसलिए इसको एक SBCA की टीम ने तोड़ा। SBCA ने तोड़ा इसे और इसका मालिक अल्लाह जाने कौन है, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है यहाँ पे कहाँ बेचारा भागता फिर रहा होगा, किन इदारों में ठोकरें खा रहा होगा, अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब हम रिकॉर्डिंग ख़त्म करके जा रहे थे तो हमने देखा कि एक शादी हॉल जो कि इसी लाइन में मौजूद था उसको SBCA की टीम ने आकर यहाँ पर तोड़ा है, बाकी किसी भी शादी हॉल की ईंट तक नहीं ली है। अब आप ख़ुद फैसला करें कि ये SBCA टीम जो है वो दोहरा मयार क्यों इख्तियार कर रही है, क्या करप्शन हो रही है, करप्ट अफसरान इदारों में मौजूद हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए कई रोज़ गुजरने के बावजूद भी इन शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। सवाल ये होता है कि क्यों इंतज़ामिया जो है इन शादी हॉल्स के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर अब भी इन शादी हॉल्स में बुकिंग जारी है, शादियाँ हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए कराची के लिए, नसला टावर के लिए आए, नसला टावर को मस्मार कर दिया गया, तिजोरी हाइट्स का फैसला आया उसको मस्मार कर दिया गया, कई मस्जिद के फैसले हैं उनको भी मस्मार कर दिया गया है, पार्कों की जगह को खाली करा लिया गया है, अस्करी पार्क KMC के हवाले कर दिया गया। मगर ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का आज नहीं आया है, ये फैसला आया है 2020 में, उसके बाद एक और फैसला आया है। साबिक चीफ जस्टिस साहब ने भी इन शादी हॉल्स के हवाले से फैसला दिया था और अब जो नौ मुंतखब जस्टिस हैं हमारे उमर अता बंदियाल साहब उनकी जानिब से भी, उनकी बेंच की जानिब से भी फैसला आया है कि इनको मस्मार किया जाए क्योंकि ये रिहायशी प्लॉटों पर शादी हॉल्स कायम है। मगर 35 से ज़ायद शादी हॉल्स के खिलाफ अब भी कार्रवाई ना होना समझ से बाहर है इंतज़ामिया के लिए, क्या ये चैलेंज है? देखना ये होगा कि ये शादी हॉल्स कब मस्मार होते हैं। जिस तरह से आपने यहाँ के रिहायशियों की गुफ्तगू सुनी उनकी जानिब से यही कहा गया है कि ये रिहायशी अराजी है, इन रिहायशी अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियाँ होना गलत है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी बार ये फैसला आया है कि इन 35 से ज़ायद शादी हॉल्स को मस्मार किया जाए, मगर इंतज़ामे की जानिब से जब हमने यहाँ पर बात की इंतज़ामे की जानिब से नोटिस भी नहीं दिया गया, बुकिंग हो रही है, शादी हो रही है। और जो हमने आपको दिखाया है कि लखनऊ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और ये रिहायशी सोसाइटी है और इसके अंदर भी जो है कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।